दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी हमारे पास में फिर से एक दोस्तों रेस्क्यू कॉल पहुंची है और ये कॉल हमारे गांव से ही है। दोस्तों यहां पर जो है गांव के जो है बाहर साइड में कुछ घर बने हुए हैं और वहीं पर जो है ये घर से ही सटा हुआ एक थोड़ा सा जंगल है और यहीं पर जो है कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं पीछे और यहाँ पर जो है एक सांप छिपा हुआ है दोस्तों। तो अभी हम उसको निकाल करके आपको दिखाएंगे कौन सा स्नैक है। और हमारे पास में हमारे आप देख सकते हैं ये स्टिक, हुक स्टिक, और ये आप देख सकते हैं इसको आराम से हम इजिली जो है इससे हम स्नैक को रेस्क्यू कर सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए हमारे पास में दूसरी स्टिक भी हमारे पास में है, तो अभी हम चलते हैं दोस्तों इस जगह। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये कुछ लकड़ियाँ रखी हुई थी और यहीं पर जो है हमारे भारत का सबसे खतरनाक सांप ये इंडियन रसल वाइपर जो है वो छिपा हुआ है। तो अभी हम दोस्तों इसको जो है कैच करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे भारत का सबसे खतरनाक सांप इंडियन रसल वाइपर, जो कि ज़्यादातर जो दोस्तों ये खेतों में देखने के लिए मिल जाता है और खेतों के आसपास जो भी घर होते हैं उन घरों में ज़्यादातर ये सांप जो है घुस जाता है। अभी यहाँ पर जो है जैसा कि आपने देखा लकड़ियों में ये घुसा हुआ था और यहाँ पे जो घर वाले थे वो लकड़ियों को इनको उठा के रख रहे थे गड्डी बना के, तो यहीं पर जो है इस सांप की जो है आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि इसका जो साउंड होता है दोस्तों काफ़ी तेज़ साउंड करता है, बहुत तेज़ इसकी आवाज़ होती है। तो जब भी अपने पास में ये थोड़ा बहुत भी ये आहट देखता है तो तुरंत जो है ये अपना साउंड करना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा सांप अगर किसी को काट लेता है तो सही ट्रीटमेंट ले, सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं और एंटीडोट ही लें, क्योंकि कोई भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र ओझागुनी से काम नहीं चलता है। जब तक इंसान को एंटीडोट नहीं लगता है तब तक इस सांप का कोई भी इलाज नहीं हो पाता है। अक्सर लोग सांप को काटने के बाद में झाड़ फूक तंत्र मंत्र ओझागुनी वालों के पास में पहुंच जाते हैं, जो कि एक गलत है। सीधा जो है हॉस्पिटल ही जाएं दोस्तों। अभी जो है आप देख सकते हैं काफ़ी वीक साइज का ये है और काफ़ी देर ये साउंड कर रहा है, क्योंकि अभी इसने अपनी शायद कैंचुली दोस्तों उतारी है। जब सांप कैंचुली उतारता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव है। और इन सांपों का जो सीजन है दोस्तों शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी जो है जाड़े शुरू हो चुके हैं। जाड़ों के समय में इंडियन रसल वाइपर स्नैक बहुत ज़्यादा तादाद में देखने के लिए मिलता है और इनकी तादाद दोस्तों बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो सांप है जो फीमेल स्नैक होता है वो एक बार में कम से कम 40 और अधिकतर जो है अधिकतम 80 बच्चों तक को जन्म दे सकती है। तो 40 तो कम से कम देती है, तो इसीलिए इनकी जो तादाद है काफ़ी संख्या में जो है बढ़ती जा रही है। अभी दोस्तों चलते हैं इसको पैक करेंगे और फिर से ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में इसको हम रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा लाइक और कमेंट करें। तो दोस्तों देख करके वीडियो को कॉपी ना करें, ये देखिए किस तरह से अपना मुंह फैला रहा है काटने के लिए और काफ़ी ज़्यादा लंबे दांत इस सांप के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये सांप माना जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो अभी काफ़ी खतरनाक मूड में ये सांप था, तो अभी इसको हम पैक करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत ओम।